गरीबां दे मसीहा अते मिठ बोलड़े सुभा दे मालक अते सीनियर एडवोकेट सरदार बलवंत सिंह जंडू जो कि बीते दिनी अकाल चलाना कर गए सन, उन्होंने निमित अंतिम अरदास नवी पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के स्थान गुरद्वारा मोती बाग साहब विखे हुई। रागी जथा ने विछड़ी रूह नूं कीर्तन राही शरदा दे फुल भेंट किए। इस मौके उत्ते गुरद्वारा साहब के हैड ग्रंथी भाई सुखदेव सिंह जी ने अंतिम अरदास की अते परिवार नूं पाणा मनण दा बल बख्शण लई कहा। इस अंतिम अरदास विच जिला सैशन जज तरसेम मंगला, वधीक जिला सैशन जज जसपिंदर सिंह, एडिशनल सैशन जज अमित मलन तो इलावा बार एसोसीएशन काउंसलर दे प्रधान अते समूह वकील भाईचारा अते पटियाला शहर दीआं वख-वख धार्मिक अते सियासी पार्टियां दे आगुआं ने शमूलियत कीती। इस मौके ते चढ़दी कला ग्रुप दे चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने परिवार नाल दुख सांझा कीता। अपने संबोधन दौरान सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने कहा कि बलवंत सिंह जंडू वालों कीते समाज भलाई दे कार्ज शलाघाजोग ने। सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने समूह चढ़दी कला अदारे वालों परिवार नाल दुख सांझा कीता। इस मौके उत्ते सीनियर वकील सतनाम सिंह कलेर, रामगढ़िया वैलफेयर एसोसीएशन, महाराणी क्लब, जनित सेवा समिति ते आगुआं तों इलावा होर अहम आगू मौजूद रहे। अंत विच बलवंत सिंह जंडू दे सपुत्र जगजीत सिंह जंडू ने परिवार नाल दुख सांझा करन वालों दा धन्नवाद कीता। ये सचमुच ही अकाल पुरख का दरबार है, परमेश्वर के द्वारा जो होए बतीता है सो नानक आख सुनावे। जो कुछ तुम हम तक गुरबाणी का कीर्तन सतगुरु जी का पवित्र हुक्मनामा सुन रहे थे, ये सच्ची गल है कि जो वाहेगुरु के दरबार में प्रतारा वरत रहा है वो ही तुम वेख रहे सुन रहे थे। हर के द्वारा वरत्या सो नानक आख सुनाया, जो वाहेगुरु के दरबार में वरतारा वरत रहा है उसे रूही गुरु नानक देव जी सानू सुना रहे सन। गुरु की साध संगत ये पवित्र स्थान जिथे तुसी संगत विच बैठे हो, ये गुरु ग्रंथ बहादुर साहब नौवें पातशाह का चरण छो प्राप्त पवित्र स्थान है अते सरदार बलवंत सिंह जी जंडू जिन्हां नूं मिलकर अरदास करन लई तुसी सारे बड़े सिदक नाल शामिल होए हो। गुरद्वारा गुरु नानक साहब जो पटियाले में दूसरा वड्डा धर्म स्थान गुरु तेग बहादुर साहब जी की याद में उन्होंने चरण छो प्राप्त है, बिना नागा सारी उम्र एक भी नागा जो पटियाले होना नहीं है। जो हर रोज़ गुरु तेग बहादुर साहब प्रणाम करने मत्था टेकने गुरुद्वारा गुरु नानक साहब आते सन, हर रोज़ आते सन। तो इसलिए दो चीज़ा अज सरदार जट्टू की शख्सियत को याद करके देख के सानू नज़र आ रहे हैं कि वह चंदन का रूप सन। चंदन वास रस पद सब चंदन होवै, कितनी गवाह दी उन्होंने शख्सियत सी कि चंदन की खुशबू नाल वह हर मिलन वाले प्रभावित कर देते सन। उन्होंने इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, उन्होंने खड़िया हुआ मस्तक केवल अदालतों में आने वाले क्लाइंट्स या वकीलों सुकून नहीं प्रदान करता से, सौ जिंदगी जो भी इंसान उन्होंने मिले है उस चंदन की खुशबू उन्होंने उस पर्सनैलिटी मिली है। चंदन वास सुरास पद सब चंदन हो गए, अष्ट धार की धार हो बारिश हो गए, नदियां नाले वावड़े विच गंग हो गए, पदत उदाहरण साध संग पापा मल हो गए। इतनी प्यारी शख्सियत सी उन्होंने कि उन्होंने मिलने वाला हर प्राणी उन्होंने वर्गा हो जाता से। अगर जो अब असं हुक्मनामा सुन रहे थे सतगुरु जी की बख्शिश को सुन रहे थे, तो मेरा यह विश्वास है कि जिस अकीदत श्रद्धा के नाल सिदक नाल सिखी सिदक जड्डू साहब ने निभाया सारी उम्र सेवा करके, समाज की सेवा की, गरीबा औरतों की सेवा की, विद्या के खेत्र में स्कूल पढ़ाए, गरीब लड़कियों की शादी की, गरीबा की कदे भी उन्होंने अपनी फीस चार्ज नहीं की थी। कोई दुर्घटना आ जाए उसका केस वो आप करते सन। जिस दिन उन्होंने वकालत शुरू की, जिस दिन उन्होंने संसार को छड़िया, मेरी इतनी लंबी उन्होंने एसोसीएशन है क्योंकि मैं भी हर रोज़ चढ़ती कला अखबार के करके हर रोज़ मैं कोर्ट जाता सी, हर रोज़ ही उन्होंने मिलता से जो उत्साह जो उन्होंने एनकरेजमेंट मेरे वर्गे छोटे जे पत्रकार को दी, जिसको वाहेगुरु ने संसार में प्रसिद्धि दी, तो वह जड्डू साहब की उस बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन से। अज इस संगत में जो तरसेम मंगा जी, अमित मलक जी, बार एसोसीएशन के प्रधान उमंग साहब अते सारी वकील फेडरेट की बैठी है,
तो मैं एक गल दसना चाहवागा कि उन्होंने जन्म सफल होया है। वह सचमुच ही एक चंगे गुरसिख वाला चंगे इंसान वाला जीवन जी के अपना गए हैं और सारी उम्र वह वाहगुरु के जुड़े रहे हैं। मैं जड्डू साहब की आत्मक शांति लिए वाहगुरु के चरण सरण निवास के लिए अरदास करता होया सारे का परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि तुम सारे ने इस दुख को मनाया है और जड्डू साहब की उस महान शख्सियत को श्रद्धा से अकीदत भेंट की है।